हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूँ अजय और आज के इस वीडियो में हम लोग पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के सीज़न 2 पार्ट 2 के नए एपिसोड्स का स्पॉइलर फ्री रिव्यू करने वाले हैं। अब क्योंकि एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है तो हम लोग यहाँ पर एपिसोड से जुड़े स्टिल्स को दिखाना अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अभी तक ये नए एपिसोड्स ना देखे हों। तो अब बिना ज़्यादा समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। तो अगर पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के प्लॉट के बारे में बात करें तो ये कहना पड़ेगा कि पिछले 10 साल के अंदर हम लोगों ने जितने भी पावर रेंजर्स देखे हैं उनके मुकाबले पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी का प्लॉट सबसे ज़्यादा डीप था। इस प्लॉट के अंदर बहुत सी लेयर्स, बहुत सारा कैरेक्टर डेवलपमेंट और बहुत से ट्विस्ट देखने को मिले। और कमाल की बात तो ये है कि शो खत्म होने के बाद आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिएटर्स ने हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। शो के दौरान जितने भी सवाल हमारे मन में उठे थे उन सबके जवाब देने में क्रिएटर्स कामयाब रहे हैं। यहाँ पर एक और अच्छी बात ये है कि ये जो नए 11 एपिसोड्स हमारे सामने आए हैं ये सब शो के मेन प्लॉट के अंदर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर कोई भी एपिसोड एक स्टैंड अलोन एपिसोड की तरह महसूस नहीं होता, जिस वजह से कोई भी एपिसोड फिलर की तरह नहीं लगता। और एक एपिसोड को देखते वक्त आपके मन में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एपिसोड धीरे धीरे आपको शो के क्लाइमैक्स की ओर ले जाने का काम करता है। साथ ही आपको हर एपिसोड में बहुत से पुराने पावर रेंजर्स के रेफरेंसेस सुनने को मिल जाएंगे। शो के अंदर बहुत से ऐसे वन लाइनर्स और वर्ड्स डाले गए हैं जो आपको पुराने पुराने पावर रेंजर्स की याद दिलाते रहेंगे। अब अगर नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ कैरेक्टर्स का बहुत ही इमेच्योर डेवलपमेंट किया गया है, क्योंकि उन कैरेक्टर्स को आप बहुत शुरुआत से देखते आ रहे हैं और आप जानते हैं कि वो अपने पास्ट में किस तरह की गलतियां कर चुका है और उनसे उसने क्या सीखा है। लेकिन जब प्रेजेंट में आकर वो दोबारा उन्हीं गलतियों को दोहराता है तो ये चीज़ देखना थोड़ा सा अजीब लगता है। इसके अलावा शो के अंदर कुछ बहुत ही इमोशनल मोमेंट्स थे जिन्हें प्रॉपरली डेवलप होने का टाइम नहीं दिया गया, जिस वजह से वो अच्छी तरह से फील नहीं हो पाते, क्योंकि इमोशंस को फील कराने के लिए उन्हें टाइम देना पड़ता है ताकि ऑडियंस भी उसके साथ कनेक्ट कर सके और उनकी डेप्थ को एक्चुअल में फील कर सके। लेकिन जाहिर है कि एक 20 मिनट के एपिसोड में ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। इसके अलावा शो के अंदर समय समय पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आते रहते हैं, जहाँ पर हम मेन प्लॉट में फोकस कर रहे होते हैं लेकिन तभी बीच में कुछ फिलर्स ऐड कर दिए जाते हैं जो हमारे माइंड को मेन प्लॉट से पूरी तरह से डाइवर्ट कर देते हैं। इसके अलावा पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी किस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उसे लेकर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, क्योंकि शो के अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तो पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स पावर रेंजर्स आरपीएम के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे। तो पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी के अंदर पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स और दूसरे पुराने बहुत से पावर रेंजर्स के रेफरेंसेस कैसे मिल जाते हैं, ये सोचकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। पर यहाँ पर इस बात के काफी चांसेस हैं कि मेरे से ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए शायद मुझे एक बार फिर से पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ पता हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले एक दशक के अंदर हमने जितने भी पावर रेंजर्स देखे हैं उनमें से डायनो फ्यूरी सबसे बेस्ट निकल कर आते हैं। इस शो का VFX बहुत अच्छा है, इसका फाइटिंग सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे, साथ ही कैमरा एंगल्स का भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। और मुझे ऐसा लगा कि शो के VFX ब्रह्मास्त्र मूवी के VFX से काफ़ी रिजेंबल करते हैं। जिस तरह से ब्रह्मास्त्र फिल्म के VFX काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट नज़र आते हैं, वही चीज़ हमें डायनो फ्यूरी के VFX में भी देखने को मिलती है। अब मुझे नहीं पता कि मेरी इस बात से आप लोग कितना एग्री करेंगे, पर मुझे ऐसा लगा तो मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर म्यूज़िक की बात करें तो शो का म्यूज़िक भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। शुरुआत से हम जो बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनते आ रहे हैं वो तो अपना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करता है, लेकिन इसके अलावा शो के अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं, और वो कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि ये पूरा मोमेंट शो के अंदर सिर्फ एक ही बार देखने को मिलेगा, और इस बात को क्रिएटर्स भी समझते थे। इसीलिए उन्होंने उस पर्टिकुलर सीन के अंदर ऐसे बैकग्राउंड म्यूज़िक डाले जो पहले कभी शो के अंदर सुनने को नहीं मिले थे, और वो अपना काम बहुत ही ज़्यादा बखूबी करते हैं। वो यूनिक म्यूज़िक के साथ ज़बरदस्त कैमरा एंगल्स के साथ सीन को कैप्चर करना और जिस तरह से उस पूरे सीन को फ्रेम किया जाता है वो देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। ऑल्दो कुछ चीज़ें ओवर द टॉप लगी हैं, लेकिन हमें पता है कि पावर रेंजर्स के रिप्रेजेंट करने का अपना स्टाइल है, तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती। तो दोस्तों, ये था पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी सीजन 2 पार्ट 2 का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। डिटेल्ड रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है, जिसके लिए मैं और मेरे कुछ दोस्त कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे जल्द ही मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।